आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके बालों के लिए एक ऐसा रामबाण उपाय, जिसे अगर एक बार आप ट्राई कर लेंगे तो आप पार्लर और सैलून में जाके आपके बालों पे तरह तरह की ट्रीटमेंट करवाना भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना, राई के दानों की एक ऐसी खास ट्रिक जो आपके बालों को झड़ना तो रोकी ही रोकेगी, साथ में आपके बालों को जड़ों से मजबूत करेगी। आपके बाल हमेशा चमकते रहेंगे, काले रहेंगे। तो इसके लिए आपको लगभग आधी कटोरी राई की ज़रूरत पड़ेगी और इसे आप एक मिक्सी के जार में डाल लीजिए, फिर उन्हें अच्छे से ग्राइंड करके पीस लीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पूरी की पूरी राई को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, यानी पीस लिया है। अब मैं एक अलग दूसरी कटोरी लूँगा और इन राई को जो हमने ग्राइंड किया है उसको इस कटोरी के अंदर डाल दूँगा। यह दोस्तों बहुत ही खास है, मैंने काफ़ी ढेर सारी मात्रा में इसको अच्छे से पीस लिया है ताकि मेरे को बार बार इसकी पीसने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप भी एक साथ ये जो राई है उन्हें पीस के एक अलग एयरटाइट कंटेनर में आप रख लीजिए। अब दोस्तों आपको इसमें साथ ही में ज़रूरत पड़ेगी आंवला, जो कि ये बड़े वाले आंवले होते हैं काले, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इनको आपको क्या करना है, शाम को सोते टाइम आप इन्हें भिगो के रख दीजिए, या फिर आप शाम को भूल जाते हैं तो नहाने से पहले 2 घंटे इन्हें भिगो के रख दीजिए। बहुत ही खास ट्रिक है दोस्तों आपके बालों के लिए, आपके बालों को जड़ों से मजबूत करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, वो है चाय पत्ती। अब चाय पत्ती को भी दोस्तों आपको भिगो के रखना है, वो भी शाम के टाइम। अगर शाम के टाइम आप भूल जाते हैं तो नहाने से पहले इसे भी 2 घंटे पहले आप पानी में भिगो के रख दीजिए। आपको भी पता है दोस्तों आंवला और चाय पत्ती हमारे बालों के लिए कितने गुणकारी होते हैं। यह हमारे बालों में वॉल्यूम लाते हैं, उनकी शाइनिंग को दुगना करते हैं, इसलिए हम ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, रात को अगर आप इसे भिगो के रखते हैं तो और भी बढ़िया है, नहीं तो नहाने से 2 घंटे पहले आप इसे भिगो के रख दीजिए। मैंने रात को भिगो के रख दिया था तो ये पानी मैंने यह ले लिया है। आप जहाँ तक हो बारिश का पानी या फिल्टर का पानी ही लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि इनका कलर बहुत ही अच्छा सुनहरा गोल्डन आया है, बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ चुका है। तो यानी हमारा यह जो पानी है एकदम बिल्कुल रेडी हो गया है, आंवला और चाय पत्ती के पोषक तत्व जो हैं वो इस पानी के अंदर आ गए हैं। अब इसका आपको इस्तेमाल कैसे करना है, अब जैसे राई के दाने भी हमने पीसे थे उसका भी इसमें इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों अब एक काम कीजिए, आप 1 से 2 चम्मच के आसपास इसमें राई के जो हमने पीस के तैयार की थी वो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। अगर आपके बाल और ज़्यादा घने हैं और टूटने लग गए हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं जो ये पानी है दोस्तों वो इसके अंदर ऐड कर देता हूँ और इसे लगभग 1/2 से 1 घंटे के लिए भिगो के रख देता हूँ। अगर आप इसे ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा ही रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा हमारा जो हमने ये पीस के मिश्रण तैयार किया है वो जितना ज़्यादा इस पानी के अंदर रहेगा उतना ही हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप हो सके तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो इसे भिगो कर ही रखिए, लेकिन मैंने इसको आपको वीडियो बना के दिखानी थी तो इसलिए मैंने इसको 1/2 से 1 घंटे तक ही भिगो के रखा है। फिर एक काम कीजिए, इस पानी को भिगोने के बाद आप लगभग 2 से 3 घंटे जितना टाइम भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो यह पानी है एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, एक अलग कटोरी लेनी है और उसमें छन्नी की मदद से आप इसे छान लीजिए। तो ये देखिए हमने छन्नी की मदद से इसे अच्छे से छान लिया है और जो इसका ऊपर का कचरा है राई के दानों का वो ऊपर ही रह गया है और हमें एकदम बिल्कुल पानी जो है वो साफ मिल चुका है और इस पानी का कलर दोबारा से चेंज हो गया है। जब भी आप नहाने जाएं उससे पहले आप 1/2 से 1 घंटे पहले लगा लीजिए। आज मेरी मम्मी की उम्र 60 साल की है, लेकिन उसके के सर में 1 से 2 बाल ही जो आपको वाइट दिखाई देंगे, बाकी कोई वाइट बाल नहीं दिखाई देंगे। तो दोस्तों मेरी मम्मी को तो काफ़ी ज़्यादा इसमें बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले तो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू।